हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़ रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर है, तो देख लेते हैं क्या अच्छी खबर है। तो देखिए, पहले इसे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है, आज नवचयनित नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र देंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को नायब तहसीलदार के पद पर चयनित करीब 150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे। ये अभ्यर्थी 7 महीने से नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह लोक भवन में आयोजित किया गया है। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आगे देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है, सोच ईमानदार, काम दमदार, निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में चयनित नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र वितरण। मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा। तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा दिए जाएंगे। तो कल नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो आप सभी स्टूडेंट को भी अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो एजीटी 2018 के युवाओं को इसी महीने नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो एजीटी स्टूडेंट को परेशान नहीं होना है। जो एजीटी 2018 के स्टूडेंट हैं उन्हें परेशान नहीं होना है, उन्हें भी इसी महीने नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और केंद्र सुपरवाइजर के युवाओं को भी ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको भी जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। तो आगे देख लेते हैं। 4.5 लाख को रोजगार से जोड़ा योगी। देखिए, सीएम बोले 4.5 साल में 3 लाख करोड़ का निवेश हुआ। यहाँ से देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को डीएबी कॉलेज मैदान में 556 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने 4.5 लाख बेरोजगारों को नौकरी और रोजगार से जोड़ा। तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।